उत्तराखंड एससी एसटी फेडरेशन के अध्यक्ष करम राम ने गढ़वाली शोध वानिकी विश्वविद्यालय भरसार के कुलपति वीर चंद्र सिंह पर अपने पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। फेडरेशन अध्यक्ष करम राम ने कहा है कि विश्वविद्यालय ने वर्ष 2020 में 66 पदों पर नियुक्तियां जारी की थी। इन सभी नियुक्तियों पर भर्ती कराए जाने की जगह कुलपति परविंदर कौशल ने अपनी मनमानी और चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए 88 पदों पर नई भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। अध्यक्ष ने सरकार से मामले में जांच की मांग की। रजिस्ट्रार एसपी सती का कहना है कि राज्य एससी एसटी आयोग ने भी विश्वविद्यालय से जवाब मांगा था। उन्होंने अपना जवाब आयोग को दे दिया है। इस मामले में उत्तराखंड क्रांति दल के नेता शिव प्रसाद सेमवाल ने भी जांच की मांग की है। के साथ छेड़ाखानी बिल्कुल नहीं की जाती, उसके लिए बकायदा इनको राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग में भी ये पत्र देना पड़ता है, वहाँ से भी इनको परमिशन लेनी पड़ती है। अब निश्चित तौर पर इसमें कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लगता है कि हो सकता है अपने जो उनके कुछ अपने खास चहेते हों या कोई ऐसे होंगे उनके अपने लोग या किसी को चाह रहे होंगे, एडजस्ट करना चाह रहे होंगे, तो ये ऐसा नहीं, तो कोई भी यूनिवर्सिटी ऐसा नहीं कर सकती है। ऐसा कुछ नहीं किया गया, पूरे रोस्टर का ध्यान रखा गया है। इस बाबत शिकायतें भी हुई थी आयोग में भी, लोग अनुसूचित जाति जनजाति आयोग में भी इस बात के प्रकरण गया था। उन्होंने हमसे पूछा था, हम व्यक्तिगत तौर पर भी वहाँ हमको बुलाया गया था, हमारी विश्वविद्यालय ने वहाँ अपना पक्ष रखा था। ये बरसार यूनिवर्सिटी ने पहले भी भर्तियों में घोटाले किए थे और वो भी काफ़ी चर्चाओं में रहा था, और दोबारा ये जो 87-88 पदों पे जो नई भर्तियां आ रही हैं इनको भी जानबूझ करके जो है इसके रोस्टर में छेड़छाड़ की जा रही है, जो कि असंवैधानिक है। ये छेड़छाड़ हो ही नहीं सकती, और बल्कि इसमें तो कार्मिक को भी इसमें तत्काल संशोधन करना चाहिए था, क्योंकि इसमें हमें जो जानकारी लगी है उसके अनुसार उत्तराखंड के लोगों को बाहर करने के लिए और उत्तराखंड से बाहर के कुछ लोगों को यहाँ पर जो है बेनिफिट देने के लिए ये छेड़छाड़ की जा रही है, और वहाँ पर कुछ इस तरीके से छेड़छाड़ की जा रही है कि ताकि यहाँ के लोग उस पर अप्लाई ना कर सकें। तो हमारी ये मांग है सरकार से भी कि इस तरीके के कदमों को तत्काल रोका जाए, और जो भी अधिकारी इस रोस्टर में जो है असंवैधानिक ढंग से छेड़छाड़ कर रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, इसका संज्ञान।